अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, सच पर से भरोसा उठने नहीं दे। आज जिनसे वर्तमान नहीं संभल रहा हो, वह इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। शहर के सिसवनढाला बस स्टैंड परिसर में शनिवार को JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार ने ये बातें कही। वे भारत की आजादी का संघर्ष एवं मौजूदा चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में अपनी बात रख रहे थे। कहा कि आजादी लीज में नहीं मिली है, चापलूसी से पद मिलता है आजादी नहीं, भीख में पुरस्कार मिलता है आजादी नहीं। समस्याओं से आजादी चाहते हैं, लेकिन संघ ही क्या जाने आजादी का स्वाद। कन्हैया कुमार ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो पीढ़ी अपने इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता, उसे आज समझने की जरूरत है। देश से जो लोग अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए, उनका नाम लेकर हमें तोड़ने की जो साजिश हो रही है खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने की चर्चा करते हुए कहा कि क्रिकेट व कांग्रेस ऐसे विषय हैं जिस पर बात करने के लिए इतिहास जानने की जरूरत है, जिसे देखो वही इस पर अपनी राय दे देता है। लोगों से अपनी विरासत को बचाने की अपील करते हुए अपना नजरिया बदलने पर जोर दिया। कहा, देश संविधान व विरासत को बचाने के लिए हंसते हुए संघर्ष करेंगे। सिवान में ये उनकी तीसरी यात्रा है। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि लोगों के साथ संवाद कायम कर उनको यहाँ की विरासत की याद दिलाना चाहते हैं। ये लड़ाई किसी पार्टी को बचाने, सत्ता में लाने या मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जिसने देश को आजादी दिलाई, वही पार्टी देश को बचा भी सकती है। इससे पहले डॉक्टर MD शादाब व अधिवक्ता अजय त्रिपाठी ने अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन आयोजित समिति के संयोजक डॉक्टर के एहतिशाम अहमद ने किया। आजादी का संघर्ष एवं मौजूदा चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व कदावर विधायक डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि आज जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हमारी नाकामियों की वजह से इन्हें कामयाबी मिली है। कहा कि शहर के दाहा नदी पुल को लेकर एक ओर स्थानीय नेता आंदोलन करेंगे, दूसरी तरफ विधानसभा में वे अपनी जुबान चलाएंगे। सेमिनार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर विधुशेखर पांडे, शिवधारी दुबे, SM फजले हक, कमलेश कुमार सिंह व रंजीत कुमार ने संबोधित किया। मौके पर सुशील कुमार, जमाल अहमद, जावेद अशरफ खान, गणेश राम, ईद मोहम्मद, गोरखनाथ पांडे, शमीम अहमद खान, रूदल बागी, शाहिद सुल्तान, सैयद जफर इमाम, अनवर हुसैन, अल्ताफ हुसैन, तहसीन किबरिया, अली हुसैन, अहमद सईद, मौलाना शमीम तुराबी, हाफिज जुबैर आसिम, अबरार रौनक, देवानंद पांडे, केशव कुमार, जावेद अली, अजीत उपाध्याय, जवाहर राम, सैयद गुलाम मेहंदी, गुलाम हैदर, फिरोज खान, एहसान अहमद, सैफ अली, तारिक जफर गनी थे। न्यूज़ इन तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।